नमस्कार दोस्तों, पिनाक फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नीदर वन नोर टू। दोस्तों, यहाँ पे जो पहली लाइन है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गलत है क्योंकि पहले गवर्नर जनरल बंगाल के थे वारन हेस्टिंग्स। और जो ये दूसरी लाइन है, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सही है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो बी इसका आंसर होगा, टू ओनली। At the time of the establishment of Asiatic Society in Calcutta, who was the Governor General of Bengal? A. Lord Cornwallis, B. Lord Warren Hastings, C. Lord Wellesley, D. Lord William Bentinck. इसका जवाब है दोस्तों B. Lord Warren Hastings. Who among the following abolished dual government system in Bengal? A. Robert Clive, B. Lord Cornwallis, C. Warren Hastings, डी नन ऑफ द अबव। इसका जवाब भी है सी, वारन हेस्टिंग्स। विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट? ए वारन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जवाब है ए, वारन हेस्टिंग्स। हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली, डी लॉर्ड कर्जन। इसका जवाब है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड द कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नॉन एज इंडियन सिविल सर्विसेज? ए वारन हेस्टिंग, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। इसका जवाब है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट ए गाजीपुर, बी बालिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। इसका जवाब है ए गाजीपुर। बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ बेसाइन साइंड इन 1802? ए इंग्लिश एंड बाजीराव वन, बी इंग्लिश एंड बाजीराव टू, सी फ्रेंच एंड बाजीराव वन, डी डच एंड बाजीराव टू। इसका जवाब है बी इंग्लिश एंड बाजीराव टू। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वाज ए पेशवा राव, पेशवा बाजीराव टू, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, डी नन ऑफ द अबव। इसका जवाब है ए पेशवा बाजीराव टू। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड ऑकलैंड। इसका जवाब है बी लॉर्ड वेलेस्ली। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस वॉज ए द नवाब ऑफ अवध, बी द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सी पेशवा बाजीराव टू, डी द किंग ऑफ ट्रावणकोर। इसका जवाब है दोस्तों ए द नवाब ऑफ अवध। द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ए द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बी द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, सी द राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, डी द रूलर ऑफ मैसूर। इसका जवाब है बी द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी वारन हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब है सी लॉर्ड वेलेस्ली। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स ए 1820-1827 AD, बी 1819-1826 AD, सी 1822-1829 AD, डी 1818-1825 AD। इसका सही जवाब है ए 1820-1827 AD।
Who among the following Governor Generals of Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? A. Warren Hastings, B. Lord Cornwallis, C. Sir John Shore, D. Lord William Bentinck. इसका सही जवाब है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। Who among the following was associated with suppression of thugs? A. General Henry, B. Captain Suleiman, C. Alexander, D. Captain Robert Pemberton. इसका सही जवाब है बी कैप्टन सुलेमान। In which year sati system was abolished by Lord William Bentinck? A. 1825 AD, B. 1827 AD, C. 1829 AD, D. 1830 AD. इसका जवाब है C. 1829 AD. The export of slaves from Bengal was banned in which year? A. 1764, B. 1789, C. 1858, D. 1868. इसका सही जवाब है B. 1789. Awadh was annexed to British Empire in India by A. Policy of Subsidiary Alliance, B. Doctrine of Leaves, C. By declaring the state as Malad Minister, D. By waging war. इसका सही जवाब है D. By waging war. Who among the following formulated and implemented the doctrine of Leaves? A. Wellesley, B. Hastings, C. Dalhousie, D. Clive. इसका सही जवाब है C. Dalhousie. The conquest of Sindh by British was completed during the period of A. Lord Ellenborough, B. Lord Hardinge, C. Lord Auckland, D. Lord Amherst. इसका सही जवाब है A. Lord Ellenborough. The first railway in India was laid down during the period of A. Lord Dalhousie, B. Lord Curzon, C. Lord Wellesley, D. Lord Lytton. इसका सही जवाब है A. Lord Dalhousie. Who of the following was the first Viceroy of India? A. Lord Clive, B. Lord Cornwallis, C. Lord Canning, D. Lord Ripon. इसका सही जवाब है सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 में पहले वाइसरॉय बने थे भारत के। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।